हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज मैं करने वाली हूँ कलरपॉप आईशैडो पैलेट का एक रिव्यू और फुल फेस मेकअप वीडियो कि मैं जीरो से कैसे हीरो दिखने वाली हूँ, नॉट हीरो, हीरोइन कैसे दिखने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू प्रेप माय स्किन विद दिस Biobloom oil and it's a pretty good oil. I use it for a couple of days and I really like my skin a lot. मेरी स्किन में काफ़ी ब्रेकआउट हुआ है जैसे आप देख सकते हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि मेरे स्किन को बैलेंस रखे और एवरीथिंग लाइक दैट. और सो मुझे ये ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है एज अ प्राइमर. और इसमें एक टिंगली फीलिंग भी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एंड एवरीथिंग लगता है कि मेरे स्किन को थोड़ा सा प्लम्प करने में मदद करता है. एंड आई एम ऑन माई मिडिल 20s, सो आई नीड समथिंग टू हाइड्रेट माई स्किन एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो देन आई एम जस्ट टेकिंग टू टू थ्री पम्प्स क्योंकि ये थोड़ा सा लाइटर है मेरी स्किन से. सॉरी आई फॉरगॉट टू शेक इट क्योंकि इसमें लिखा है टाइप इंस्ट्रक्शन कि शेक कर लीजिए बिफोर यूज. तो अच्छे से शेक कर लूँगी. देन आई एम टेकिंग टू पम्प्स, जस्ट टू पम्प्स. मैं देखने वाली हूँ ये कैसा अप्लाई होता है मेरी स्किन में. तो मैं थोड़ा सा ये ले रही हूँ ब्रश में एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टैप इट ऑन माई फेस. मैं थोड़ा थोड़ा टैप करके करने वाली हूँ, मैं ड्रैग नहीं करने वाली हूँ. सो ताकि ये मुझे फुल कवरेज दे क्योंकि एक फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है. आई एम रियली लाइकिंग फुल कवरेज फाउंडेशन दीज डेज, तो मुझे फुल कवरेज चाहिए. सो इट्स नॉट वाइट, इट्स अ लिटिल लाइटर देन माई स्किन कलर बट इट्स नॉट वाइट. इट्स एक्चुअली मैच माई नेक क्योंकि मेरे फेस थोड़ा सा टैन हुआ है. सो आई कैन फील कि फाउंडेशन मेरे नेक के साथ मैच कर रहा है एंड आई नीड अ लिटिल बिट मोर. सो मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ इसको अपनी बैक ऑफ द हैंड एंड या आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट वेरी नाइसली ऑन माई फेस लाइक दिस. और आप देख सकते हो इतना इजीली ये टैपिंग मोशन में ब्लेंड हो रहा है कि आई कांट सी एनी फ्लॉज ऑन माय फेस. हाँ, ये थोड़ा सा शेयर कवरेज फाउंडेशन है तो ये हर एक ब्लेमिश नहीं ढकने वाला है बट ये क्वाइट नाइस कवरेज दे रहा है जो मुझे काफ़ी पसंद है. मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन एज रिवाइव कंसीलर और ये मेरे बहुत फेवरेट कंसीलर है. आप देख सकते हो मैं कितना यूज़ कर चुकी हूँ इसे, तो थोड़ा सा और यूज़ कर लेती हूँ आज. और ये एक हाइलाइटिंग कंसीलर है और शेड नंबर है मीडियम और मीडियम ही काफ़ी ज़्यादा लाइट है. सो मुझे लगता है कि हमारे इंडियन जो ज़्यादातर मुझसे जो मतलब वाइट है वो फेयर ले सकते हो, बट अगर मेरे स्किन के आसपास हो या फिर मेरे स्किन से थोड़ा सा डार्क हो आप फेयर मत लीजिए. आई नो कि हर एक लोगों को लगता है कि मतलब जो कंसीलर होता है वो थोड़ा सा लाइट शेड का लेना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि इतना भी लाइट लीजिए कि वो आपकी स्किन में क्या बोलूँ स्किन को ऐशी कर दे. तो मैं इसको अपने आईलिड में भी लगाने वाली हूँ जस्ट लाइक दैट और मैं इसे ऐसे एक ब्रश से जस्ट ब्लेंड करना चाहती हूँ ताकि ये प्रिसाइजली हो जाए. और फेस को सेट करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबेलिन वाइट सुपरफ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर और ये बहुत दिन से मेरे स्टैश में पड़ा था. आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट और मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि ये ख़त्म हो चुका है. सो इट्स अ न्यू वन और मैंने यूज़ भी नहीं किया. आप देख सकते हो पैन अनटच्ड. सो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा सा टू सेट माई अंडर आई एंड एवरीथिंग लाइक दैट. मुझे इतने टाइम बाद मुझे मेरा फाउंडेशन ब्रश मिला बट इट्स ओके. Nonetheless, मैं अपने शाइन को थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली हूँ इस पाउडर से. क्योंकि मैं एक ऑयली स्किन गर्ल हूँ और मुझे इतना ज़्यादा फाउंडेशन मतलब शाइनिंग फेस नहीं चाहिए. सो आई लाइक वेरी मैट फेस, तो मैं इसे यूज करने वाली हूँ पूरे फेस में लाइक दैट. ओके, इट्स डन. सो मैं यूज़ करना अपने आई शैडो स्टार्ट करना चाहती हूँ जिसके बारे में आप लोग एक्साइटेड हो
मैं भी एक्साइटेड हूँ, मैं भी पहली बार बात करना चाहती हूँ, बट पहले मैं आईब्रोज करना चाहती हूँ ये बेला वोस्टे मतलब ब्राउ लाइनर्स के साथ, और इसके जो अदर एंड में है एक स्पूली है, सो इट्स अ वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट आईब्राउ पेंसिल कि आपको एक साइड में स्पूली मिल रहा है और दूसरे साइड में आपको पेंसिल मिल रहा है। इसका जो पेंसिल का पार्ट है वो काफ़ी स्मॉल है, सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रोक देने में मदद करता है। सो मैं झट से आईब्राउज करके अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पैलेट से। सो पैलेट कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने दो बार इसे यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे ट्राई करना था, न्यू लुक्स ट्राई करना था, तो मैंने दो बार इसे यूज़ किया है और इसमें इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं आज थोड़ा सा पिंक न्यूड वाला लुक क्रिएट करना चाहती हूँ। दो बार मैंने वार्म टोन का एक लुक क्रिएट किया था, बट आज के मेरे मूड है थोड़ा सा पिंकिश टाइप ऑफ लुक मैं क्रिएट करूँ इसके साथ, तो मैं यूज़ करना फर्स्ट completely done now, so I'm just going to move on to my black contour and then I will be talk to you more about this palette and everything like that. So मैं blush के लिए use करने वाली हूँ ये peachy pinkish blush जो कि बहुत ही
अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये एक नेचुरल काइंड ऑफ पीची पिंकिश ब्लश है, इसमें इतना कुछ ड्रामेटिक नहीं है। और आप अगर आपके आईज थोड़ा सा ड्रामेटिक है सो लेट द आईज टॉक, डोंट पुट टू मच ब्लश और समथिंग लाइक दैट। और बहुत अच्छी तरह से मैं ब्लेंड करने वाली हूँ इसे। आई कांट फाइंड माय मतलब स्पंज, सो आई एम रियली सैड अबाउट दैट। मेरे तीन चार स्पंज था और मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ अभी, सो आई एम रियली अपसेट अबाउट दैट ऑल्सो। सो एज अ हाईलाइटर मैं यूज करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी हाईलाइटर। और इसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी पसंद है, ये एक रोज पैटर्न टाइप है, मुझे जो पैकेजिंग बहुत अच्छा लगता है। देन आई एम टेकिंग दिस फैन ब्रश एंड आई एम जस्ट गोइंग टू फैन सम हाईलाइटर ऑन इट एंड मैं अप्लाई करने वाली हूँ। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, इसमें गोल्डन रिफ्लेक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे मेरा मिस क्लेयर का हाईलाइटर ज़्यादा पसंद है, सो मैं मिस क्लेयर का हाईलाइटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सो मुझे ये इतना यूज़ करना पसंद नहीं है। सो या और मैं पूरा हाईलाइटेड हूँ, आई एम लुकिंग लाइक अ ग्लो बॉल। सो यही पर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ ये, और मैं थोड़ा सा ब्रॉन्ज करना चाहती हूँ अपना फेस इसी कलर से। मैं आज इतना ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा ही ब्रॉन्ज करने वाली हूँ। ये कलर बहुत ज़्यादा कूल टोन है, मुझे कूल टोन कलर इतना पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा वार्म टोन कलर पसंद है। बट मुझे ठीक है अभी के लिए इतना ही ठीक है। थोड़ा सा नोज को भी ब्रॉन्ज कर देती हूँ ताकि वो एक थोड़ा सा स्मॉल लगे, थोड़ा सा सिंक्रोनाइज लगे, अदरवाइज मेरा नोज कुछ ज़्यादा ही बात करता है। तो ये है मेरा फेस मेकअप कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा फोरहेड हाइलाइटिंग भी कर देती हूँ। हाँ ये कंप्लीट हुआ मेरा फेस मेकअप कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा लिप को मैं थोड़ा सा न्यूड कलर में ही रखना चाहती हूँ। ये है ये है नायका टोप थ्रिल, ये सो मैट का है टोप थ्रिल, और ये पिछले साल मैं नायका इवेंट में रिसीव किया था। सो मैं इतना ज़्यादा लिप लाइनर पर्सन नहीं हूँ, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो तो आप जानते होंगे कि मैं लिप लाइनर्स यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप लिप लाइनर यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, जस्ट इतना ही बचा हुआ है। सो आई एम रियली ओके, मैं इसे थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहती हूँ, मतलब मैट करना चाहती हूँ। और मैट करने के लिए मैं यूज करना चाहती हूँ मेबेलिन का ये पाउडर। इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा उसका ज़रूरत होता है, मतलब स्पंज का, बट ओके नाउ इट्स टोन डाउन एंड इट्स लुक क्वाइट फैंटास्टिक। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कलर पॉप पैलेट। अगर आप देख सकते हो कि मेरे आई लुक कितना अच्छा हुआ, मैंने और दो लुक भी इससे क्रिएट किया था, तो मैं कहीं यहाँ पर तो पुट करने वाली हूँ वो दो लुक भी। और मैं बहुत सारा लुक इससे क्रिएट कर सकती हूँ, पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत क्रीमी है, बहुत पिगमेंटेड है। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस पैलेट कि मैंने कलर पॉप का फर्स्ट पैलेट ट्राई किया है, और फर्स्ट पैलेट ही इतना सुंदर है कि मुझे और भी पैलेट खरीदने का मन। और आप देख सकते हो मैंने वन स्वर्ल किया है, इतना सारा पिगमेंटेशन है। अगर आप थोड़ा सा डार्क लुक चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा डॉल्ड अप होना चाहते हो, तो ये पैलेट बहुत ही अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रल साइड में हो, थोड़ा सा न्यूट कलर पसंद करते हो, तो इसमें वार्म न्यूट कलर भी बहुत ज़्यादा है। सॉरी मेरा हुक खुल गया, तो या नेवर माइंड। हाँ वार्म न्यूट कलर भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप न्यूट कलर थोड़ा सा ट्राई करते हो, प्रेफर करते हो, तो न्यूट कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा न्यूट कलर भी थोड़ा सा मतलब ये स्वॉच करना चाहते हो आप लोगों के सामने। तो ये है न्यूट कलर्स, और आप देख सकते हो हाउ पिगमेंटेड एंड हाउ क्रीमी इज दैट। थोड़ा सा भी चौकीनेस नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा भी मतलब ऐवे ही कुछ नहीं है, बहुत ही सुंदर से ग्लाइड होता है। मेरे सबसे फेवरेट कलर है ये वाला, मेरा सबसे फेवरेट कलर है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्वॉच इट फॉर यू गाइस।
आप देख सकते हो कितना सुंदर ये स्वच्छ करता है एंड आई एम सो सो हैप्पी अबाउट दिस पैलेट. मैंने जब से ये पैलेट को रिसीव किया एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस पैलेट. सो आई होप यू गाइज enjoy this video. If you guys enjoyed this video, don't forget to give me a big thumbs up and subscribe to my channel for more fun videos, and I hope to see you next time guys. Bye.